प्रदेश के अंबाला जिले के महेश नगर थाना के कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। इन कर्मियों ने थाने के अंदर पहुंचे एक मंद बुद्धि व्यक्ति के बाल कटवाए, नहलाया और उसे नए कपड़े पहनाए। उन्होंने उसकी समुचित देखभाल के लिए उसे रैन बसेरा भिजवाया। अंबाला के पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने हेड कांस्टेबल सतबीर सिंह व कांस्टेबल ओमपाल को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया है। अंबाला थाने के SHO इंस्पेक्टर अजय सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस के ध्येय सेवा सुरक्षा सहयोग को सार्थक करते हुए उनके साथ काम करने वाले सभी कर्मी निष्ठा से कार्य करते हैं। वे अब तक 32 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। टीम हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार पूरी डेडिकेटेड रहती है कि किसी भी असहाय को या किसी को कोई सेवा करनी है। इसी तरह एक रूटीन में सेवा करने के दौरान एक मंदबुद्धि व्यक्ति मिला जिसके कपड़े काफ़ी फटे थे, मैले थे और नाखून काफ़ी बड़े हुए थे, बाल काफ़ी बड़े हुए थे उसके। तो उसको हमारी टीम ने बार बार से उसकी कटिंग कराई। कटिंग कराने के बाद उसके नाखूनों को काटा, उसको दूसरे कपड़े लान करके हमारी टीम ने पहनाए और उसको चाय पानी पूछ करके अच्छे तरीके से उसको सहयोग किया। हेड कांस्टेबल सुखबीर सिंह और कांस्टेबल ओमपाल ने बताया कि वे रात को लावारिस घूमने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर भोजन करवाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये व्यक्ति गंदगी के कारण किसी बीमारी या कोरोना से संक्रमित ना हो जाए, इसीलिए उसकी मदद कर उसे रैन बसेरा में भिजवाया है। ये यहीं मुरदमर थाने के बाहर ही घूम रहे थे। उसके बाद मैंने इसको यहाँ थाने में ले आया। थाने में लाने के बाद इसके बाल बुड़ सोचा कोरोना के उसमें ना भाई ये मर जाएगा बीमारी के कारण। मैंने सोचा भाई इसको ठीक नहीं आया, ऐसे दोबारा घूम रहा है, इसकी सहायता की जाए। फिर मैंने यहाँ थाने में लेकर उनको गर्म पानी दिलवाया, उनकी सारी सेविंग कराई थी। फिर उसके बाद उसको कपड़े बनाए। अभी महीने में एक दो बार मीटिंग लेते रहते हैं जी, उसके बारे में बताते हैं कि निशाई व्यक्ति की सहायता करनी है जी। और जैसे कोई रात को लवारिस घूम रहा है तो उसको उसकी सुरक्षित जगह पर पहुँचाते हैं जी, उसको खाना दाना दिलाते हैं जी, उसको जो उसकी सहायता का सामान होता है वो देते हैं जी।